हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आपको पहले तो संपूर्ण रामायण पाठ हुआ, उसके बाद आरती हुई और उसके बाद फिर प्रसाद बटा, तब उसके बाद फिर माँ का जगराता शुरू हो गया। तो ये पूजा मेरी दीदी के घर में हुआ था, जागरण और संपूर्ण रामायण पाठ। ये अभी आरती जो हो रही है, संपूर्ण रामायण पाठ की आरती हो रही है, समापन आरती। उसके बाद फिर पंडित जी और दूसरे पंडित जी आए थे। इन लोग का ग्रुप अलग था और जागरण का ग्रुप अलग था। तो फिर यहाँ पे मतलब लास्ट में जो समापन पूजा होता है वो मेरी दीदी और जिया जी करवा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग सब कोई चले गए जगराते में, और जगराते में तो बहुत ही आनंद आया। और सब लेडीज़ जितनी भी औरतें यहाँ पे, फिर जगराते का पूजा शुरू हो गया है। और जगराते की पूजा में भी अच्छा खासा टाइम लगा था, कम से कम आधे घंटे तक खड़े खड़े पूजा हो रही थी, पंडित जी करा रहे थे। फिर उसके बाद घर में ज्योत जला के रखा गया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सबसे अच्छी बात थी कि नीम के पेड़ के नीचे ही जगराते हो रही थी। जस्ट देखिए, नीम का पेड़ है वहाँ पर, और मेरे जीजा जी सर पे ज्योत लेके आए हैं, माँ का ज्योत, क्योंकि बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य था, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद फिर से पूजा करवाया गया, और उसके बाद तब से उसके बाद शुरू हुआ माँ के जगराते का भजन। भजन शुरू होते ही सारी औरतें जितने भी थी सब झूम उठे। पहले तो माँ के भोग का गाना बजा, और उसके बाद तब सभी औरतें को सब कोई झूम उठी। तो आप लोग भी आनंद लीजिए माँ के जगराते का। अगर वीडियो कैसा लगा तो बताइएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सब कुछ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, लुत्फ उठाइए माँ के जगराते का और इन्जॉय करिए। तो थैंक यू। Thank you.
मैया झूले ले झूले ले बाकी झूले झूले ना नमस्कार है। एक बार सभी प्रेम से कहिएगा जय माता दी। जोर से कहिए, दोनों हाथ उठा के कहिए जय माता दी। और बड़े भैया ने बहुत सुंदर पचरा सुनाया, ये मियां के दाढ़ी मैया। और सबसे विचित्र बात अच्छी लगी कि जो माँ का दरबार सजा है वो भी नीम के पेड़ के नीचे ही बना हुआ है। प्रेम से कहिए शीतला मैया की। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि कार्तिक लग चुका है, तो प्रेम से जय घोष करते हैं, बोले छठी पूछ लेना चाहती हूँ आप सबसे, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पे हर भाषा भाषी के लोग रहते हैं, तो यहाँ भोजपुरी समझने सुनने वाले हैं, जितना जितना भोजपुरी आ गया। भौजी आपको लाल साड़ी पहनी हुई है, एक बार जिनको आता है दोनों हाथ उठा के घोष कीजिए, बोलिए मामा हरि हर नाथ की, दुर्गा माई की, सीता माई की। आइए सुंदर सी हाजरी महारानी के श्री चरणों में, सभी माँ के लाल है। बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से परिवार वालों ने माँ की ज्योति जगाई है। तत्पश्चात सारे भगत आए हैं माँ के दर्शन को और प्रेम से माँ से कुछ कहते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। लाल चूड़ियां चढ़ाओ, चुनरी गोटी वाली लाओ, चरखी नंगी चला।
तू ही दे दे वाली तेरी।